हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए और बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ, और जिसने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे रेसिपी लेके मैं आती रहूँगी और देखते इसमें क्या लगता है कैसे बनता है। और ये उपवास में खाते हैं साबूदाना वड़ा, और आप ऐसे नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। तो ये साबूदाना मैंने रात में भिगो दिया था 2-3 पानी से धो के, और साबूदाना जिस आप जिस बर्तन में भिगोते हैं उसमें अच्छे से आप उसे फैला दीजिए, और उसके 1 इंच ऊपर आप पानी लीजिए, और रात में अच्छे से ये साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा। और ये मैंने लिया है बटाटा 300 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, और मैंने बॉईल कर लिया है इसे और मैश कर लिया है छिलका निकाल के। ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए, ये मैंने सिंग तेल लिया है। और जब भी आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो सिंग तेल या घी का यूज़ करें, और लेकिन मैं अभी उपवास के लिए नहीं बना रही हूँ। और इसमें मैंने लिया है शक्कर 1/2 टेबल स्पून, उसे मैंने पीस लिया है जो घर का शक्कर होता है। और ये मैंने सिंग लिया है 100 ग्राम, इसे मैंने अच्छे से भून के इसका छिलका निकाल के इसे मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। और मिर्ची पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, धनिया लेंगे 2 बड़ा टेबल स्पून, नींबू का रस लेंगे जूस 2 टेबल स्पून, अदरक लेंगे 1 टेबल स्पून। और नींबू चाहिए तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, बहुत अच्छा है टेस्ट तो भी। और मिर्ची लिया है मैंने 2 बारीक काट लिया है, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और ये मैंने नॉर्मल जो नमक यूज़ करते हैं वो लिया है मैंने। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डालिए, जो डालते हैं उपवास का नमक होता है वो डालिए आप। और देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे कोई भी बाउल, और उसमें निकाल लेंगे हम साबूदाना। और अगर आपको साबूदाना भिगोने का अंदाज नहीं मालूम पड़े तो एक्स्ट्रा अगर पानी हो जाता है तो आप कोई आटा जो छानते हैं छन्नी हो उसमें डाल दीजिए, पानी सारा निकल जाने दीजिए और उसको फैला लें। और अब इसमें हम डालेंगे बटाटा, और ये मैंने बटाटा 300 ग्राम से ज़्यादा ही लिया है, और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे सिंगदाना, ये भी कम ज़्यादा ले सकते हैं, हरी मिर्च, और अदरक। और अदरक अगर आपको चाहिए तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बनाएं, क्योंकि कोई कोई बच्चे लोग को पसंद नहीं आता है अदरक का जो टेस्ट है मुंह में आता है, तो उसके बगैर भी आप बनाइए अगर नहीं पसंद है तो। शक्कर, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, और जैसे मैंने बोला अगर उपवास के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज़ करिए। और मिर्ची पाउडर अगर नहीं डालना हो, बहुत जन नहीं यूज़ करते, डालना है तो डाल सकते हैं, अगर उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो डालिए। और नींबू का रस जो जूस है वो डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, और हरा धनिया, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और इसको हम हाथ से मिला लेते हैं, अच्छे से मिल जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, अच्छे से मिलाइए, सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये मैंने अच्छे से सब मिक्स कर लिया है, अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई हैं इसमें, तब इसकी हम टिक्की वड़ा बना लेते हैं। और आपको जितना बड़ा छोटा रखना हो टिक्की उस हिसाब से आप बनाइए, ऐसे हाथों में ले लीजिए और टिक्की बना लेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि बटाटे को ज़्यादा बॉईल ना करें, एकदम गीला नहीं होना चाहिए बटाटा, थोड़ा सा कम पका हुआ रहेगा तो भी चलेगा कि अच्छे से आप, मैंने मैश किया है, चाहिए तो आप कद्दूकस कर सकते हैं, उसे अच्छे से घिस लीजिए। ऐसे करके हम टिक्की बना लेंगे, ऐसे गोला लीजिए और ऐसे ही टिक्की बना लेंगे।
और ऐसे करके हम बनाएंगे। तो ऐसे करके मैं सारी टिक्की बना लेती हूँ। ये मैंने टिक्कियों को बना लिया है, तो अभी हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे पैन रख दिया है और ऑयल डालेंगे हम इसे, और गैस को एकदम फास्ट रखेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देते हैं। और ये ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तभी इसके अंदर हम टिक्की डालेंगे, और अच्छा सा तेल गर्म होना चाहिए। ऐसे करके हम सारी टिक्की डाल देंगे, और उसके बाद में हम गैस को कम कर देंगे टिक्की डालने के बाद में। ये मैंने सारे टिक्की डाल लिए हैं, और गैस को फास्ट रखेंगे, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, और इसे हम एकदम गैस को कम नहीं करेंगे, मीडियम और फास्ट पे पकाएंगे। पहले ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद मीडियम कर दीजिए टिक्की डालने के बाद, और फिर से फास्ट करेंगे। और अभी मैंने फास्ट किया है गैस को, हाई फ्लेम रखा है, लो और हाई पे एकदम कम नहीं करना है, हाई और मीडियम पकाएंगे। तो अच्छे से टिक्की को पकने देते हैं, और फिर इसे हम पलटेंगे, और हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा इस टिक्की चिपचिपा होता है, चिपक जाता है जो साबुदाना है कढ़ाई में, तो आप जब पलटे तो ध्यान से नीचे से थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे, चलाएंगे तो ये टिक्की अच्छे से कढ़ाई से निकल जाएगी पैन से। तो इसको हम पका लेते हैं और फिर पलटी मारेंगे। अभी हम टिक्की को पलट लेंगे, और टिक्की अच्छे से नीचे से पक जाए तभी आप पलटिए इसे, और कम और ज़्यादा गैस करते रहेंगे, हाई लो उस पर पकाएंगे हम। और अच्छे से हमें पकाना है दोनों साइड से, और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। अच्छे से ब्राउन होने दीजिए, ज़्यादा नहीं जलाना है, और अच्छे से पक जाना चाहिए, कम और ज़्यादा करते रहिए आप गैस को, जो फ्लेम है कम ज़्यादा, एकदम भी कम मत करिए, मीडियम और ज़्यादा। तो अच्छे से पकाएंगे, और इसको वापस से पलट लेंगे दूसरे साइड। तो दोनों साइड से एक दो बार पलटते हुए पकाना है हमें, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो ये अच्छे से पक गया है, और इसे हम निकाल लेंगे अभी, और देखिए बाहर जा रहा है एकदम करारा बना है, तो भी निकाल लेते हैं, और दूसरा भी बना लेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं, और बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे बड़े, और इसे हम गर्म रहने दीजिए, एकदम अच्छा खासा गर्म है, फिर से तो बड़े डालेंगे और पकाएंगे। और अभी इसे हम पलट लेंगे, और बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए चटनी, चटनी से खाइए आप इसे, बहुत टेस्टी लगता है ये वड़ा, उपवास में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी और कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप बनाइए। और ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा था, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, और लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से सीखा है। पहले मैं जाती थी सिलाई क्लास, तो मेरे फ्रेंड के घर पर मैं गई थी, उपवास था, तो उनकी मम्मी ने मुझे बना के खिलाया, तो वैसे ही मैंने बनाया है। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और गैस को फिर से हाई कर देंगे, फास्ट कर देंगे, और पका लेते हैं इसे और निकाल लेते हैं। तो ये बाकी के भी वड़े मैंने बना लिए हैं, तो निकाल लेती हूँ, और गैस को ऑफ कर देंगे, तो और सर्व करते हैं इसे। ये मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है हरी चटनी के साथ में,
आप सर्व करिए। ये पुदीना और मूंगफली की चटनी है। आप अपने मनपसंद चटनी सॉस जिसके साथ आपको पसंद हो आप सर्व करिए और देखिए कितना अच्छा बना है। जितना देखने में अच्छा है खाने में भी टेस्टी है, तो आप बनाइए। और आप रायते के साथ में सर्व कर सकते हैं इसे, जब भी उपवास हो, अगर उपवास वाला बना रहे हैं। और चटनी के साथ में सर्व करिए। और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें अगर ये पसंद आए तो। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपी लेके मैं आती रहूँगी, तो प्लीज़ ऐसे देखते रहिए और प्यार देते रहिए। और फिर से मिलती हूँ मैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।